हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ रेडर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं टिक कराता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं रेडर से ही हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि रेडर के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू स्टूडेंट्स के लिए टिक कर लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। मैं किसी एक्सपर्ट से मैंने टिक कराया है और एक्सपर्ट उर्दू के एक्सपर्ट ने टिक किए हैं। पहला लेसन है नात, इस वाले लेसन में से आपको याद करने के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस यहाँ से देखिए, ये पढ़ लेना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहिं क्यों कहा जाता है, यहाँ पे भी जेर जेर वर करने से क्या मुराद है, ये याद करना है आपको। और उसी तरह यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे किन किन के लखब से नवाजा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा के क्या पैगाम ले आइए, ये भी आपको याद करना है। और उसी तरह यहाँ से ये पैराग्राफ्स अच्छी तरह याद करना है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये लेना है आपको, अल्लाह ताला की ज़ायद वहादत की इबादत का लायक क्यों है, ये अरबी का क्या, ये भी आपको याद करना है। ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के में एक मज़मून आपको लिखना है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लेसन शहरों का कोई चांद को मामा नहीं कहता, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, इस वाले लेसन में सबसे पहले ये याद करना है आपको मुसन्निफ़ की तारीफ, इसके बारे में आपको मुनव्वर राना इम्पोर्टेड एक पोइट इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद यहाँ से ये दो आंसर्स है, क्वेश्चन है, उसके बाद ये दो क्वेश्चन है यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे शहरों की ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से क्या कलम किए आपको, ये दो आपको याद करना ये ज़रूरत नहीं है, ये मत याद कीजिए। यहाँ से ये सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, यहाँ से ये दो आंसर्स आपको लेना है। देखिए ये पैराग्राफ्स अच्छी तरह याद करना है, पैराग्राफ्स भूलिएगा मत, ये पैराग्राफ्स याद कर लेना है, क्योंकि पैराग्राफ से पूछेगा। यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फोर्थ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामर है आपको, ग्रामर इसके अंदर से पढ़ना है, ये ग्रामर है ये सारा, क्योंकि ग्रामर आपको रीडर से ही करना है। नेक्स्ट खसीदा, इस वाले लेसन में से आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर ये दोनों खसीदा लेसन के, और उसके बाद यहाँ पर एक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक है। और उसके बाद आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पोएम याद करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे इसमें मिल जाएंगे। यहाँ से सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ से भी सेकंड, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामर तो आपको पढ़ लेना है, कोई छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट खुली खुतुब शाह का सफ़र, इस वाले लेसन में से यहाँ से सेकेंड वाला आप ले लेना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक सेकेंड है, और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, इसके तो जो आपको लिखना है। यहाँ से सेकेंड है, यहाँ से सिक्स्थ है या सेवेंथ है, और ये भी यहाँ से फर्स्ट है, और यहाँ से भी फर्स्ट है, जितना भी ग्रामर है आपका रीडर के पीछे का आपको कवर करना है। ये अलबेली सुबह, इस वाले लेसन में से आपको लेने वाले क्वेश्चंस होंगे। यहाँ से सेकेंड, यहाँ से एक सेकंड है, और उसके बाद यहाँ से सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ से भी सेकंड। उसके बाद आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, और ये एक आपको अच्छी तरह याद करना है, डॉक्टर हुसैन का ये इंट्रोडक्शन रहेगा, ये याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक सेकेंड, ये वाले लेसन में ये पैराग्राफ तो आपको याद करना होगा, ये क्वेश्चंस वन टू फोर, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकेंड, यहाँ से भी ये ग्रामर आपको पढ़ना है। उसके बाद गज़ल, इस वाले लेसन में से गज़ल, यहाँ से आपको याद करना है, शायर ने दिल के नादा क्यों कहा है, एक आपको, और यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से एक दरवेश किसे कहते हैं, और यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ से सेकेंड, यहाँ से फर्स्ट, ये लेना है। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ नेक्स्ट लेसन में, उसके बाद ये दोनों, ये तीन, ये चार, यहाँ से सेकेंड, यहाँ से भी सेकेंड, और ये ओन सेंटेंसेस है, अच्छी तरह याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट औरत, इस वाले लेसन में से, औरत इस लेसन में से आपको याद करने वाली, यहाँ से देखिए फर्स्ट है, यहाँ से फोर फाइव, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से पैराग्राफ है ये,
और उसे पैराग्राफ अच्छी तरह याद करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से सेकंड थर्ड है, यहाँ से एक फर्स्ट वाला है। इसके बाद आते हैं तरगीब इस वाले लेसन में से, ये पैराग्राफ याद करना है आपको अच्छी तरह। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड है, यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ से एक है, ये भी आपको याद करना है, ये फर्स्ट भी। उसके बाद आते हैं ग्रामर को पीछे का पूरा पढ़ लेना है, फिर एक गज़ल है एलेवेंथ लेसन, इस वाले लेसन में से यहाँ से सेकंड थर्ड, यहाँ से फिफ्थ है और यहाँ से सेकंड, और ये क्वेश्चन है यहाँ से भी स्टार्स डले हुए हैं, यहाँ पर भी एक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जानवर इंसान के नाराज किए लेसन पे, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से एक फर्स्ट है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है, यहाँ से फर्स्ट है, नेक्स्ट लेसन में ये फर्स्ट है, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे भी एक फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट है, ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं गोपी चंद, ये तो सवाल जवाब है, ये सारे आपको पढ़ लेना है गोपी चंद के बारे में, यहाँ से आपको फर्स्ट, यहाँ से थर्ड और फोर्थ, यहाँ से फर्स्ट है, थर्ड और फोर्थ है, यहाँ से फर्स्ट है, यहाँ से भी ये फर्स्ट है, अच्छी तरह ये तो दूर रहती है, ये पूरा आपको याद कर लेना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।